नहीं, इसमें हमारी हरियाणा पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई की। जैसे ही ये जघन्य अपराध हुआ, निकिता की हत्या हुई, 24 घंटे के अंदर अंदर दोनों मुजरिम हमने पकड़ लिए थे। और 11 दिन के अंदर मैंने एक SIT बनाई थी, 11 दिन के अंदर अंदर उसने 700 पेज की जो थी वो चालान कोर्ट में पेश कर दिया। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमने लगाया ये केस, और कुल मिला के 5 महीने से भी 2 दिन कम में ये फैसला आ गया। और इससे ज़रूर जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं उन सारों पर ज़रूर इसका असर पड़ेगा, ये इतना जल्दी फैसला आने से। सोसाइटी में भी एक मैसेज जाता है सर कि जिस तरह से अगर ऐसे अपराध करोगे तो तुरंत नहीं तो किसी को ऐसा। बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फैसला आया है। 26 तारीख को क्वांटम ऑफ सेंटेंस भी अनाउंस की जा रही है, कितनी सजा सुनाई जाएगी इनको? देखिए, ये 302, 120 बी, 34, 366, 511 जो भारतीय दंड संहिता की है उसके तहत दोषी करार दिया गया, और शस्त्र और अधिनियम की 27(1) में दिया गया है। अब इसमें ये तो जज साहब के ऊपर है क्या सज़ा सुनाते हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि एक्सट्रीम सज़ा सुनाई जाए। इन परिवार को भी बहुत बड़ी जस्टिस मिला है 5 महीनों नहीं, हमने उनको विश्वास दिलाया था कि हम बहुत त्वरित कार्रवाई करेंगे, और हमने की।